देखो पापा भैया सब आ गए। फरहान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। ये वंडरेला में क्या क्या रिव्यू है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा जगह है, घूमने का और ढाले का बहुत सारा है जगह, पर बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। फरहान सर अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए, कई साल हो गया है तो आज वंडरेला जा रहे हैं। आज से दिवाली है, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, आज कहाँ पर घूमते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बहुत टाइम के बाद ब्लॉग आ रहा है। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते पापा? जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल के ऊपर कॉल। फरहान कहाँ जाते? वंडरेला इंशाल्लाह बंद ना रहे। अदनान खुला है? हाँ मैं पूछा था, पापा लगा कॉल करें थे। अदनान खुशी करें थे, बहुत खुश है। थैंक यू, टाइम से बात कर रहे हैं। वो एक और एक वाटर पार्क गए थे नया इस वंडरेला से पहले, उसका पानी इधर तक है। अब मैं उसमें मेंढक बनना पड़ रहा है, पूरा सोने के बाद जाके पानी हो रहा है, तो इसमें देखते हैं कैसा होगा। चलिए, आई नीड थोड़ा ज्यादा डेप्थ हो पानी का। जैसे कि मम्मी ने इससे पहले बोला वंडरेला जा रहे हैं, अभी सफर चल रहा है। अभी हम लोग झारपड़ा के जेल तक पहुंचे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे आधे एक घंटे में, कि उससे कम में पता नहीं, पहली बार है। स्पाइडरमैन कहाँ जाते? आप घूम ही जाते। दोस्तों वंडरेला आने वाला है, आ गया वंडरेला, हम लोग वंडरेला पहुंच रहे हैं। तो ये खुर्दा जटनी में ही पड़ता है, भुवनेश्वर से करीबन 20 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो आइए हम लोग पहुंच गए, अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये एंट्रेंस पॉइंट है, हम लोग अंदर इन कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा है कि ये भुवनेश्वर का वंडरेला है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई मेट्रो सिटी का है। पार्किंग, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे कार पार्किंग वगैरह होता है। आई लव वंडरेला। हाँ ये कार पार्किंग एरिया है, यहाँ पे इतना गाड़ी आया हुआ है। आज कल दीपावली है, इसके लिए बहुत सारे आदमियों को छुट्टी मिला है और उसके साथ साथ सब अपने फैमिली मेंबर के साथ आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कार पार्किंग करके आ गए, तो हम लोग वंडरेला पहुँच चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। अफान कहाँ आए हो? वंडरेला आए हैं घूमने के लिए, आज दिवाली है इसलिए हम सब आए हैं, सब एक्साइटेड हैं। आइए अंदर देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। टिकट अभी लेंगे। गाइस अगर बर्थडे मंथ में आएंगे तो घूमने के लिए आपका टिकट फ्री है। एक टिकट फ्री है, मतलब वो जिसका बर्थडे रहेगा उनका ही फ्री है, और बाकी 149 से जो एक टिकट मिलता है 1000 का। फरहान का इस मंथ बर्थडे था तो उनका टिकट फ्री हो गया है। और यहाँ पर एक बैंड लगाते हैं जिसको आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लॉथ है, आप ले सकते हैं कॉस्ट्यूम, हमें नहीं ज़रूरत पड़ा। यहाँ पर लॉकर का की ले लिए हैं, हमारा सामान रखते हैं।
रुकने का सफर नहीं अदनान बोलते हम हो जाते हैं, वीडियो बनाना है ना, फिर बच्चों को बिल्कुल सफर नहीं, रुको जरा सफर तो करो, सफर करो, मामा ही रुकोंगी, कहाँ निकलोगे, ये वाले में कुछ खतरा है नहीं, रुक जाओ, पापा से पूछो। अफान बेबी कहाँ आए हैं? एंजॉय करेंगे बच्चे, अदनान फरन चले गए भी, पानी है नहीं किसे क्या पता, आप जाओ मुझे अफान को दे दो, को तुम फिर लाती चला चला आए। हाँ हाँ, क्या पानी काम था? उन लोग बोले थे पैर बंद करके जाने, तो अदनान पैर खोल दिए थे, तो इसीलिए बीच में अच्छा लगा, फिर जैसे तैसे करके आ गए। भैया बचाया। अदनान कैसा लगा? भैया सब सब ठीक है, वो जो हरा वाला है ना उसमें ज्यादा दिक्कत आती है, नाक में पानी जाता है। मैं पूरा ऐसे करके आग बंद कर लिया था जब ऊपर से आया। अच्छा ला 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 ला। पापा पापा थोड़ा कष्ट लगा ना, पापा वीडियो मेरा बना यहाँ थोड़ा सर साइड में, क्या हुआ ठीक लगा? डर लगा पापा, एक 15 हुआ है दोपहर का लंच, देखो पापा भैया सब आ गए। अदनान फरान आ रहे हैं, देखो पापा भैया अभी आएंगे। यहाँ पर पानी पीने का है, पी सकते हैं। आसान धूप में गए, घूम घूम के प्यासे हो गए हो? बहुत प्यास लगते, गर्मी भी काफी है, पानी भी काफी ठंडा है, अदनान खुश हो जाएंगे, पीके बुलाते हैं। फोन इसमें अलाउड है इसीलिए हस्बैंड फोन लेकर गए हैं, बाकी सब में हम वीडियो बनाए हैं। अफान बाबू यहाँ से देख रहे हैं पापा को भैया को। खाना खाओ कोई, मैं धूप में कितना देर इंतजार करूंगा। मैं थक गया अभी, मैं सोने वाला, सच में प्यास भी लगा भी, पूरा थक गई थी। पान को भी जरा जरा देख लो हमें, और अरे इसमें बैठने के लिए देखते हैं कितना डर लगता है इनको। लॉक रूम
अच्छा लगता है। अदनान, फरहान आपको कैसा लगा? रुको मैं रिव्यू लो, कैसा लगा? बहुत बहुत डेंजर। आपको कैसा लगा? जो पेशेंट लोग हैं तो इसमें जा नहीं सकते, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। अदरवाइज बाकी बड़ा थ्रिल सिस्टम है, मतलब आप लोग काफी एंजॉय कर सकते। अभी आइसक्रीम का ब्रेक। अदनान बास्केटबॉल खेल सकते हैं आप लोग? गर्मी है, धूप पड़ा है, बच्चों को लेके आना सेफ नहीं है। हम सबकी जान कहाँ है? पापा के गोदी में, पापा की परी। अफान का लंच हो गया है, अभी प्लेइंग टाइम हो गया है। अभी एंजॉय करते हैं। He is also enjoying वंडरेला पार्क। हेलो गाइस, ऐसा कर दोगे? अपान बाबू का न्यू एक्टिविटी देखो। बाबा ऐसा कर दोगे? मुंह से निकालो। लंच टाइम हो गया और यहाँ पर एसी लगा हुआ है, हस्बैंड बोल रहे हैं तो चल रहे हैं लंच के लिए। अदनान फरहान आएंगे तो गाइज ये वाला है बुफे, जो बुफे लेंगे ये वाले एसी वाले रेस्टोरेंट को आके अनलिमिटेड जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। उसके बाद मम्मी ने देखा कि ये डोर में लिखा हुआ है कि डोर क्लोज्ड, प्लीज़ यूज़ द नेक्स्ट डोर फॉर एंट्री, मतलब कि डोर क्लोज है, दूसरे डोर से एंट्री करना पड़ेगा। और हम लोग उस तरफ से नहा रहे थे और अभी आ जाएंगे हम लोग। तो ऐसा ऐसा उसका पास का नज़ारा है, जो जो 500 रुपये दे के ये बुफे वाला ले सकता है लेगा तो वो इधर आके खाएंगे। 21 से भी ज़्यादा आइटम। थैंक यू दोस्तों, जब आप काउंटर में आएंगे तो बुफे के लिए एक दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जब हम आए तो फर्स्ट वाला डोर क्लोज था तो यहाँ पे सेकंड डोर है। आप जब एंट्री करेंगे तो आपको कूपन देना होगा, कूपन जब आप एक सिंगल कूपन होता है, आप जब कूपन देते हैं तो यहाँ पे जो काउंटर में होते हैं वो आपको एक बड़ा प्यारा सा स्माइल दे के एक वाटर बॉटल देते हैं। इस टेबल में बैठो, गिर जाओगे, गिर जाओ, बैठो बैठो। और यहाँ पर गोभी मंचूरियन है। अरे बाबा, एक कढ़ाई पनीर है। जी जी, क्या नाम है आपका? पी दिवेश। सॉरी, पी दिवेश। पी दिवेश कहाँ से हैं? बोरी कुमाऊँ। बोरी कुमाऊँ कहाँ पड़ता है? जयपुर के बाद। देखते हैं ये आलू टूटल है, नान, ये नान आपका और एक मेरा है। प्लेन नान है, यहाँ पे बटर नान है।
है, ये बटर नान है, ये वन पीस आपका, ये और एक चिकन है, हमने चिकन 65 चिकन 65 है, बोला है कि चिकन हलाल है, आप देख सकते हो करी है, आलू जीरा लेना है आपको, यही हमें खाना है, घर में नहीं बनता है वही आलू आपको पसंद नहीं है, उसके बाद राइस को पापड़ है, अच्छा नहीं क्या क्या मिला और कैसा लग रहा है फरहान? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट जब आप एंटर करेंगे तो आपको वाटर बॉटल मिलेगा, ईच वन मिलेगा, और सेकंड थिंग है बूफे में बहुत सारा आइटम है, 21 आइटम्स आर अवेलेबल इन दिस रेस्टोरेंट, आपको जो पसंद है आप उसके हिसाब से खा सकते हैं। अदनान और फरहान जो है वो अभी खाने के मूड में है, ये वंडरेला का ऐसी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं खाने के लिए, और ये बुफे सिस्टम है आपने देखा, 21 आइटम जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, जो गेस्ट आते हैं उन्हीं लोगों के लिए बना है, और मैं तो कहूँगा कि जो लोग वंडरेला आ रहे हैं वो लोग जरूर इसका मज़ा लीजिए, और वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल है आपको यहाँ पे, जो रेस्टोरेंट है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, फैमिली के साथ और कम्प्लीटली एसी है, आप आराम से इसका एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, हाँ मतलब पुलाव,
फूड का जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है, एक फैमिलियर टेस्ट है और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा है, हाइजीनिक है। आइए और एंजॉय, मतलब कभी अगर आना हो तो आइए और जरूर आइए और एंजॉय कीजिए। मेरा खाना फिनिश हो गया है, खाना खाने के बाद यहाँ पर हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा हीरो है, क्या नाम है आपका? पी दिवेश। आप कहाँ से हैं? बरीगमा। अच्छा, कैसा लगा वंडरला आपको? अच्छा लगा। और यहाँ पे खाना पीना कैसा है? अच्छा है। जो लंच है कैसा है? अच्छा है। आपके साथ आपकी मम्मी आई हैं, तो आपकी मम्मी को आप खिला रहे थे। हाँ। तो आपका बचपना है अभी, इसमें आप सोच रहे हो कि मैं सर्व करूँ दूसरों को, कि मम्मी को आप हेल्प कर रहे हो, और क्या क्या बोलना चाहोगे कि और क्या होना चाहिए इसमें बच्चों के लिए या आप लोगों के लिए, और कुछ ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, जो है इतने में आप खुश हो। और इन लोग का सर्विस कैसा है? बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे ठीक है वीडियो में। ओके बाय बाय। यहाँ पर सचमुच खाना बहुत ही मज़ेदार है, घर का स्वाद है, बहुत ही सिंपल टेस्टी खाना है, ज़रूर से टेस्ट कीजिएगा, हमें बहुत बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि फूड का क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा था, और क्योंकि एक फैमिलियर टेस्ट था और बड़ा अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइए, और आने के बाद में आप खुद यहाँ पे एक एक्सपीरियंस आपका भी शेयर कीजिए कैसा है। मुझे लग रहा है कि उड़ीसा में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम हुआ है, और आपको अपने फैमिली के साथ आना चाहिए, और बाकी यहाँ जो भी मतलब जो स्टाफ हैं वो भी मतलब इतना अच्छा लगा कि एक ऐसा लगा कि मतलब किसी हम कहीं घर से फिर और एक दूसरे घर में आ गए हैं। अब यहाँ पर खाने के बाद फिर से स्विमिंग पूल का मजा ले रहे हैं, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं। अदनान फरहान तो इसके अंदर से आने का उनका मन ही नहीं, नहाते जा रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। दोस्तों वाटर पार्क है तो बच्चों के लिए कुछ होना ही चाहिए, तो ये गैलेक्सी लगून है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके साथ कोई बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे काफी एंजॉय कर सकते हैं। आज दीपावली का दिन है तो इसलिए जो बच्चे भी हैं वो काफी बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फरहान आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये वंडरेला में क्या क्या रिव्यू है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा जगह है, घूमने का और ढाले का बहुत सारा है जगह, पर बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। अब थोड़ा सा हस्बैंड जा रहे हैं खाने के बाद, वो भी मज़ा ले रहे हैं पानी का। यहाँ पर रेन डिस्को है, यहाँ पर बच्चे लोग डांस, मतलब बड़े लोग भी डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। यहाँ पर डांस करते रहो और पानी का मज़ा लेते रहो। यहाँ पर म्यूज़िक भी लगा हुआ है ताकि बच्चे लोग बड़े लोग एंजॉय कर सकें और नहा सकें, डिस्को का मज़ा ले सकें। इस तरीके से डांस कर रहे हैं, और फरहान और उनके पापा भी दोनों इस तरीके से मज़े ले रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 3:30 हो चुका था, तो अफान बाबू सो गए थे और अदनान फरहान उनके पापा तीनों एंजॉय करते हैं। मेरा मन करता है वीडियो जाके बनाऊं, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मन दुख है। लेकिन छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी ये सुलाना ज़रूरी है, तो मैं अंदर एसी लगा हुआ है इसके अंदर, सो अफान को गोद में सुला रही थी, इन लोग यहाँ पर नहा रहे थे, फिर अफान उठने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा आके वीडियो बना लिए। इन लोग अंदर जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खूब मस्ती किए, बहुत खुश हो गए बच्चे पापा। मैं तो एंजॉय नहीं कर पाई, बस इन लोग का वीडियो बना ली,
आपके साथ शेयर भी कर दी। बहुत काफ़ी दिनों बाद हम लोग निकले हैं तो सोची कि ये ब्लॉग भी बन जाए और यादगार भी ये पल रहे। कभी बाद में अफान बाबू बड़े होंगे देखेंगे, या फिर हम लोग जब तक हयात है तब फिर री करके देख सकते हैं। इस तरीके से अच्छा लगता है ब्लॉग बनाने के लिए। और दोस्तों ये एक वॉशरूम है, ये भी काफी नीट एंड क्लीन है, इन जनरली जैसा एयरपोर्ट के जैसा ही नीट एंड क्लीन है। हम लोग वंडरला आए थे, अभी टाइम हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी यहाँ पर 5 PM हो चुका है, व्यूज देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है इसका नज़ारा, बहुत ही बढ़िया लगता है। फैमिली के साथ वन डे स्पेंड करने का बहुत अच्छा जगह है, बहुत बड़ा भी है और काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं वंडरेला लिखा हुआ है, कितना बढ़िया सा सुंदर सा डिज़ाइन हुआ है, सब फोटो पिक्चर ले रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं अफान बाबू को थोड़ा सा एंजॉय करवाने। अफान साहब देख रहे हैं कि लाइट कैसा कैसा जल रहा है। दादा दादा ए दादा पापा बोल दो, वंडरेला इज वेरी वंडरफुल। अफान दादा यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है तो सिर्फ हमारे तीनों बच्चे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ताता फन ताता ताता अपन ताता कर दो अंकल को ताता, किसे वो नीचे जाएगा। सबसे वंडरेला का वंडरफुल राइड है वो मैकेनिज्म देखने लगा है उधर। देख रहे हैं कि कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैकेनिज्म देखने लगा है, कैसे झूल रहा है। अफान दोस्तों इवनिंग टाइम है सबका, सब लोग यहाँ पे एंजॉय करने के बाद सब बैक कर रहे हैं घर को, तो आइए हम लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं। तो मैं सोचा कि लास्ट का जो एंडिंग मोमेंट है आप तक शेयर किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ फूड कोर्ट जो है वो भी ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर चेंज करने के लिए ड्रेस लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पर हम मोबाइल भी चार्ज किए, हमारा मोबाइल चार्ज ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है कौन सा ड्रेस पहन के जाना है कौन सा नहीं। अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ गया, 5:30 हो गया, हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ सफाई भी है, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किए। अब हम लोग अपना सामान ले लिए, लॉकर का की इनको रिटर्न कर रहे हैं। के लिए 300 rupees पे किए थे, जब आप लोग उनको उनका की रिटर्न करेंगे तो आपको 100 rupees एक रिटर्न कर देंगे। तो एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, लॉकर का सिस्टम भी अवेलेबल है। अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे लॉकर में आपका जो सामान लेके आएंगे वो उसको रख सकते हैं। बाय बाय वंडरेला, अभी यहाँ पे बाय बाय वंडरेला, यहाँ पे हम लोग बैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वंडरेला का एंट्रेंस था और हम जहाँ से एंट्रेंस किए थे वहीं से फिर रिटर्न भी हो रहे हैं और एग्जिट भी वहीं पे है। और बहुत मजा आया घूम के, अदनान बोल रहे हैं बहुत मजा आया घूम के, आप सबको आना चाहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
तो ये ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा, और कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।